अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नताशा वकास। तो भाई, जो मैंने परफ्यूम वाली वीडियो शेयर की थी ना, उसके बाद से मेरे बालों से रिलेटेड बहुत कमेंट आए थे कि अभी अब आपके बाल माशाल्लाह पहले जैसे हो गए हैं, घने, वॉल्यूम आए, स्ट्रेट। तो आपने कौन सा शैम्पू यूज़ किया, कौन सा ऑयल यूज़ किया, कौन सा ट्रीटमेंट लिया। और अभी मैंने अपने बालों को डाई किया है, ज़्यादा डाई नहीं किया, बस जहाँ जहाँ से मेरे बाल वाइट हो रहे थे इस साइड से मेरे बाल 4-5 वाइट, और यहाँ से जो है वो कुछ बाल वाइट है, तो मैंने कलर किए और कलर इतना अच्छा है यार। और अपने बालों में कौन सा मास्क लगा रही हूँ, कौन सा हेयर ऑयल लगा रही हूँ, कौन सा शैम्पू लगा रही हूँ, सब कुछ मिलेगा आपको आज की वीडियो में देखने के लिए। तो टाइम इसके बगैर वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्ट हैं जी हर्बलाइट के, आपको सारे प्रोडक्ट दिखाती हूँ वन बाय वन। इसके अलावा काफ़ी कॉमेंट जो है वो उन प्रोडक्ट के फेवर में भी आए थे मुझे मेरे वीडियो के नीचे, कि आप ही मैंने हर्बलाइट का ये वाला शैम्पू यूज़ किया है, मुझे इससे हेयर फॉल खत्म हो गया है। तो मैं आपको पहले प्रोडक्ट दिखाती हूँ कि मैंने कौन से प्रोडक्ट मंगवाए थे, और ये प्रोडक्ट मैंने खुद मंगवाए हैं सारे के सारे, ठीक है, क्योंकि मुझे इसके काफी अच्छे फीडबैक मिले थे फेसबुक पे। सबसे पहला प्रोडक्ट जो मेरे पास इनका है वो है ये इनका हेयर ऑयल, बर्दोक हेयर ट्रीटमेंट ऑयल है, रूट के लिए स्पेशली, रूट का ट्रीटमेंट है। और ये आई थिंक कोई जड़ी बूटी है जो पाकिस्तान में नहीं मिलती, ये आई थिंक अफ्रीका से किसी कंट्री से स्पेसिफिकली आती है, और रूट्स के लिए बहुत अच्छी है कि नेचुरली आपके बालों को काला करती है जो आपको व्हाइट हेयर का इशू आ रहा होता है। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा मेजर इशू है ना इन दिनों में, वो है हेयर फॉल का, कि जब से पैंडेमिक आया ना उसके बाद शायद कोई बंदा होगा जिसको हेयर फॉल का मसला ना हो, तो ये वो हेयर फॉल का सोल्यूशन है आपके लिए। कलर इसका बहुत अच्छा है, इसके अंदर स्टॉपर लगा हुआ था, मैं इसको बहुत सारा यूज कर चुकी हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे एक महीने से भी ज्यादा हो गया इन प्रोडक्ट को यूज करते हुए, आपको नजर आ रहा है ये तो स्टॉपर लगा हुआ है, मैं स्टॉपर हटा के दिखाती हूँ आपको। स्टॉपर से ना प्रोडक्ट जाया नहीं होता, ये सबसे अच्छी चीज है, देखें नजर आ रहा है इतना जो है ऑयल में इसका यूज कर चुकी हूँ। इसके ऑयल का कलर मैं आपको दिखाती हूँ, ग्रीन सा कलर है इसके ऑयल का, ये जो जड़ी बूटी है इसके जैसा ही कलर है। और ये देखें ये, अब इसको अपने बालों की लेंथ में लगाओ, इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट है। मैं साथ साथ जो है ना वो एप्लीकेशन भी करती जाऊंगी ताकि आप लोगों को जो है इसका रिजल्ट समझ आए। मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ है ऑयल यही वाला, क्योंकि मैंने शैम्पू करना था, आपको नजर आ रहा होगा बालों में लगा हुआ है ऑयल। तो इसको जो है आपने अपने बालों की जड़ों में लगाना है अच्छे से, आपने अपने बालों की लेंथ में लगाना, क्योंकि आपको पता है लेंथ में जो है वो न्यूट्रिशन मिलते ही नहीं है, और बालों की जो लेंथ है वो फिर ड्राई होना शुरू जाती है, दो मुंह और फ्रीजी बाल हो जाते हैं। इसकी खुशबू जो है ना कितने से तेज जड़ी बूटियों की खुशबू आती है, क्योंकि ये सारा जो है इसका नाम ही हर्बलिस्ट है, हर्ब्स एड हुए हैं इसके अंदर। ये जो ऑयल है ना ये बहुत अच्छा है यार, तो टॉनिक है ये, आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है, इसको यूज करना बहुत ईजी, आपकी रूट्स के लिए समझे, ये आपके रूट्स के लिए ना एक डाइट है, कि आपकी रूट्स को अगर अच्छी डाइट नहीं मिल रही, आपके बाल डैमेज हो रहे हैं, तो आप इस ऑयल को एक ट्राई जरूर देना, बहुत ही कमाल का ऑयल है। मैंने इनका ये ऑयल, इनका मायोनीज मास्क और इनका शैम्पू और कंडीशनर, ये चारों चीजें पूरा महीना हो गया यूज किया, और मुझे अभी मेरा एक भी हेयर फॉल नहीं हो रहा। इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ शैम्पू और कंडीशनर कौन सा यूज किया मैंने, ये जो मेरे वॉशरूम में रखा हुआ था बेबी शैम्पू वाली वीडियोस में, जो मैंने बेबी के प्रोडक्ट शेयर किए थे आपके साथ, तो सब पूछ रहे थे कौन से प्रोडक्ट में कौन से। ये जो शैम्पू और कंडीशनर है ये बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्यादा अच्छे। मैं आपको इनके शैम्पू का टेक्स्चर दिखाती हूँ, आप देखें ये इनके शैम्पू का टेक्स्चर है, ये इस तरीके का, इसमें कोई सल्फेट नहीं है, कोई इसके अंदर पैराबिन नहीं है, केमिकल फ्री शैम्पू है, इसके अंदर से भी आपको जड़ी बूटियों की खुशबू आती है। मैंने बालों को गीला किया है, अब मैं ये शैम्पू ले रही हूँ हाथ के ऊपर, और इस शैम्पू से ना आपने मसाज लाजमी करना है, क्योंकि ये शैम्पू भी जो है वो जड़ी बूटियों वाला शैम्पू है सारा, इसमें जो है हर्ब्स हैं और सारी ऐसी चीजें जो आपके बालों के लिए बेनिफिशियल है। तो आपने इसे इस तरीके से बैकवर्ड फॉरवर्ड मोशन में अच्छे से मसाज करना है, ताकि जो इस शैम्पू की अच्छी चीज है ना वो आपके बालों की जड़ों में पहुंच जाए, ठीक है। लेंथ पे हमने अप्लाई नहीं करना, क्योंकि लेंथ में आपको बताया लेंथ पे पहले ही जो है वो न्यूट्रिशंस मिलती नहीं है, तो हम वहां पे शैम्पू लगा लगा के ना उस जगह को जो है वो डेड कर देते हैं। तो कम से कम आपने 3 मिनट, कम से कम ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट जो है अच्छे से बालों के एक कोने में, एक एक जगह पे अच्छे से इस तरीके से मसाज करना है। उसके बाद जो अपने सर को वॉश कर, जब इससे सर वॉश करती है इतने ज्यादा झाग नहीं बनाता, लेकिन आपके बालों को अच्छे से वॉश कर देता है, डर्ट ऑयल हर चीज निकल जाती है। कंडीशनर इसमें एवोकाडो भी है, कोकोनट भी है, इसके अलावा भी और चीजें इसके अंदर है। इसका कंडीशनर बहुत अच्छा है, लिटरली सारे कंडीशनर जो है वो आपको हेयर फॉल करते हैं, लेकिन ये वाला जो कंडीशनर है ये हेयर फॉल नहीं करता, बल्कि आपके बालों को बहुत ज्यादा सॉफ्ट कर देता है। देखें जी, बाल हमारे हो गए शैम्पू, उसके बाद इसका कंडीशनर, ये बिल्कुल खत्म कर दिए मैंने प्रोडक्ट, बस रिव्यू के लिए छोड़े। कंडीशनर लिया और इसको आपने लगाना है बालों की लेंथ के ऊपर, ठीक है, लेंथ पे लगाना है, रूट्स पे कंडीशनर को नहीं लगाया करें कभी भी, एक तो डैंड्रफ भी हो जाता है आपको, दूसरी बात है हेयर फॉल भी होता है। तो ये मैं अच्छे से लेंथ पे लगा रही हूँ, और उसके बाद जो है 5 मिनट इसको छोड़ना है, ठीक है, जैसे टाइम होता है ना हर प्रोडक्ट का, तो प्लीज उसको उतनी देर लाजमी लगाया करें अगर आपको चाहिए कि वो प्रोडक्ट आपको रिजल्ट दे। आपको जो है ना यहीं पर रिजल्ट नजर आना शुरू हो जाएगा, ये चेक करेंगे, ये देखें नजर आ रहा है, ये इसके कंडीशनर का रिजल्ट है, ये देखें
इतना सिल्की ग्लॉसी और स्ट्रेट जो है वो बाल हो गया। ठीक है, इस मास्क के अंदर है मायोनीज, एग और इस तरह की चीज़ें हैं, इसके अंदर ऑलिव ऑयल है, इसके अंदर सेम यही वर्दुक जो जड़ी बूटी है ये है। इसका रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा कमाल है, बहुत थोड़ा सा यूज़ होता है और आपके बालों को एक अच्छी डाइट जो आपके बालों को चाहिए होती है और मिल नहीं रही होती आपके बालों को, आपके बाल जो ख़राब हो रहे होते हैं, तो इसको ज़रूर यूज़ करें। ये ऑलरेडी बहुत फेमस है, आपको इसकी शक्ल देख के याद आ जाएगा, इसकी शक्ल देखें आपको याद आ जाएगा कि हाँ जी ये ऑलरेडी बहुत फेमस है, हमने काफी इसके रिव्यूज चेक किए हैं, बहुत ही अच्छा प्रोटीन मास्क। ओके भैया, अभी देखिए मैंने बालों को कंडीशनर कर लिया और कंडीशनर करने के बाद बाल इतने प्यारे हो गए हैं कि हाथों से सुलझ रहे हैं। अभी ज्यादा अच्छे रिजल्ट के लिए हम क्या करेंगे, हम ये हेयर मास्क लगाएंगे, आधा घंटा वेट करेंगे और उसके बाद शॉपर लपेट लेती हूँ मैं इसके ऊपर, और उसके बाद जब मैं वॉश करती हूँ और फिर उसके बाद आपको रिजल्ट दिखाती हूँ। ठीक है, इसके बहुत क्लास के रिजल्ट हैं यार, बहुत क्लास के, आपको लगेगा कि आपके रेटिन ट्रीटमेंट का। अभी देखिए मैंने कंघा नहीं किया पर मेरे बाल उंगलियों से सुलझ रहे हैं, मास्क मैंने लगा लिया, मैं शॉपर लपेटने लगे जी। अभी मेरे बाल जो है वो गीले हैं हल्के हल्के, पर मैंने कहा रिजल्ट आपको चेक करा दूँ, मेरे बालों में वॉल्यूम चेक कर सकते हो, ये देखो मैं आपको एक एक सेक्शन उठा उठा के दिखा रही हूँ ताकि माशाल्लाह माशाल्लाह से आपको बालों में वॉल्यूम नजर आए, क्योंकि जब हेयर फॉल रुकता है ना ऑटोमेटिकली जो है आपका बाल जो है वो वॉल्यूम मैनेज हो जाता है। क्या ना, मुझे प्रोडक्ट की पैकिंग अच्छी नहीं लगी, कुछ की अच्छी लगी थी कुछ की अच्छी नहीं लगी, पैकिंग मेरे ख्याल से ये लोग इम्प्रूव कर रहे, लेकिन बट प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत 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 ज्यादा अच्छी है। उसके बाद है इनका ये हेयर कलर शैम्पू, यहाँ के जो बाल है ना वो व्हाइट है, चार पांच बाल मेरे व्हाइट है, जो स्ट्रीक जहां जहां मैंने करवाई थी, यहाँ पे स्ट्रीकिंग की लेयर्स थी मेरी, यहाँ स्ट्रीकिंग की लेयर थी और यहाँ स्ट्रीकिंग की लेयर्स थी, तो मुझे यहाँ यहाँ सब व्हाइट बाल का इशू है, तो मैं कभी कभार जो है डाई कर लेती हूँ जब कहीं जाना हो और कोई इवेंट आ रहा हो लाइक ईद वगैरह पे, तो मैं डाई कर लेती हूँ, फिर बुरे लगते हैं, व्हाइट हेयर हेयर स्टाइल में से भी शो होते हैं। तो ये इनका कलर शैम्पू है, इस कलर शैम्पू की अच्छी बात ये है कि जितने भी कलर शैम्पू आप लोग यूज करते हो आपको पता है कि उनके अंदर जो है वो ऐसी चीज होती है जो आपके बालों की जो मेलानिन होती है ना उसको कम कर देती है उनकी प्रोडक्शन को, जिससे आपको व्हाइट हेयर आते हैं। तो ये वाला जो शैम्पू है ना ये बिल्कुल नेचुरल चीजों से बनाया गया है, इसके ऊपर मेंशन भी है कि जी इस शैम्पू के अंदर जो है हम लोगों ने अदरक आमला ऑयल और इसके अलावा आर्गन ऑयल यूज किए हुए हैं, जिससे आपके जो बाल है ना वो डैमेज नहीं होते और मजीद आपके बाल व्हाइट नहीं होते, जो बाल व्हाइट है उनको कलर करेगा। इसका डेवलपर है कंडीशनर मिक्स है इसमें ऑलरेडी, शैम्पू के अंदर कंडीशनर भी है, शैम्पू भी है, कलर भी एड है, दोनों चीजों को इक्वल क्वांटिटी में लिया, मिक्स किया, ग्लव्स पहन लो, एहतियात करके लगाओ, जहां पे व्हाइट हेयर से लगाए हल्के से गीले बालों को आपने लगाया और उसके बाद जो आपके बाल जो है वो कलर हो जाएंगे। ठीक है, दिस इज हाउ माई हेयर लुक आफ्टर कलर, देखें जो जो बाल व्हाइट थे वो सारे कलर हो गए और इसके अलावा आपको बालों में वॉल्यूम भी नजर आ रहा होगा माशाल्लाह। ये देखें जी बैक कैमरे से मैं आपको बाल दिखा रही हूँ, आप देख लें तो सारे बाल जो हैं जो व्हाइट हेयर्स थे वो अच्छे से कलर हो गए। दूसरी चीज ये कि ना ये शैम्पू ना आपके बालों को अकड़ाता नहीं, वरना कलर वाले शैम्पू बालों को अकड़ा देते हैं, बाल देखा कितने स्ट्रेट और सॉफ्ट हो गए। कहीं आपको लगे एक्सटेंशन लगाई, अपने जाति बाल है मैंने मुझे चेक कर रहा है मेरे यार इतने अरसे बाद बाल का हमसे सही हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह वीडियोस में आप लोग भी नोटिस कर रहे हो, कमेंट भी बहुत आ रहे हैं काफी माशाल्लाह आपके बाल पहले की तरह घने हो। ओके भाई, तो आप लोगों को सारे हेयर केयर कलर सब कुछ मैंने बता दिया, आप लोगों के लिए लिंक भी लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहां से जाकर बाय कर सकते हो। इंशाल्लाह कुछ महीने में आप लोग देखोगे बाल वापस से लंबे हो जाएंगे और मैं दोबारा कभी अपने बालों पर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करूंगी, कोट्स वगैरह कुछ नहीं कराऊंगी। सो आई होप की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ऐसा है तो लाइक शेयर जरूर करना, कॉमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी, प्रोडक्ट का लिंक मिलेगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहां से जाकर बाय कर लेना, अपना ढेर सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।